यार मेरा मोबाइल हैक हो गया है क्या? बहुत ज्यादा इस पे एड्स आ रहे हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग भी कर रहा है, सही से चल नहीं रहा है, और इस पे तो अननोन कॉल्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यार मेरा मोबाइल हैक हो चुका है और कोई मेरे मोबाइल का कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पे बहुत ज्यादा एड्स आने लगते हैं और आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग भी करने लगता है। यानी दोस्तों आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपका मोबाइल हैक तो नहीं हो गया, कहीं किसी पर्सन ने आपका मोबाइल हैक तो नहीं कर लिया है। मेरे भाई इस टाइम पर आपको मैं जो ट्रिक ये वीडियो में बताऊंगा उसको आपको जरूर देखना है और ये वीडियो कंप्लीट देखना है। इससे आप ये पता लगाओगे कि आपका जो स्मार्टफोन है इसको किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है, और अगर किसी ने हैक किया है तो आप उसको कैसे डिस्कनेक्ट करोगे। इतनी खुशी मुझे क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हो सकता है कोई पर्सन आपका मोबाइल हैक कर ले, आपकी जो भी डिटेल्स है, जो भी डाटा है, वो सभी एक्सेस कर ले, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, ध्यान से देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ जानने सीखने को मिलेगा तो टेक्निकल स्विजी को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन है, आपका जो मोबाइल है, वो किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है, या फिर कहीं कोई एप्लीकेशन हैक तो नहीं कर लिया आपका मोबाइल, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सेटिंग ओपन करना है, और सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आना है नीचे, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल का। देखिए दोस्तों गूगल, अगर दोस्तों ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं गूगल, ठीक है। लेकिन हर किसी के स्मार्टफोन में ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही गूगल पे क्लिक करोगे थोड़ा देर मिलेगा और ऐसा आ जाएगा, आपको सबसे नीचे आना है। जब सबसे नीचे आओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग फॉर गूगल एप्स, देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग फॉर गूगल एप्स। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने जाएगा ऐसा इंटरफेस, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्टेड एप्स, तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड एप्स पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी एप्लीकेशन आपके गूगल से कनेक्ट हैं वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, ये तो हार्मफुल और डेंजरस एप्लीकेशन है, मतलब अगर आपको लगता है कोई भी डेंजरस एप्लीकेशन, तो आप उसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना, अपने गूगल अकाउंट से हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से आप आके चेक कर लीजिए कि कोई ऐसे एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं हो गए जो कि आप इसको नहीं जानते, यहां से आप पहले ये चेक कर लेना, ठीक है गाइस। ये रहा पहला दोस्तों सेटिंग जिससे आप पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा सेटिंग। इसके लिए दोस्तों आप दूसरे फीचर्स के लिए क्या करना है, दोस्तों चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है इसको ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों का मोबाइल यहीं से हैक होता है, आप जानते नहीं हो और आप अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो और आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा, यहाँ पर ये कोने में देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको एक आइकन, इस आइकन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा सेटिंग मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट, देखिए देख सकते हैं प्ले प्रोटेक्ट लिखा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा नो हार्मफुल एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब मेरा मोबाइल बता रहा है कि नहीं आपके मोबाइल कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों आप ऐसे चेक कर लेना। और दोस्तों एक और बात, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दो ऑप्शन, देखिए ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन होने चाहिए, ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये ऑन होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी ऑफ रहता है तो समझो मेरे भाई आपका मोबाइल हैक हो गया है और आपकी बैंड अप बच चुकी है, ठीक है। तो आप जाकर अभी चेक कर लो कि ये दोनों ऑन है कि नहीं। इससे यह होता है कि मान लीजिए अगर आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये कोई भी ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होने देगा जो कि आपकी सिक्योरिटी को एक्सेस करे, आपको प्रॉब्लम करे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले यहां पर जाकर आप देख लीजिएगा कि ये दोनों सेटिंग ऑन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा सेटिंग। अब दोस्तों मैं लास्ट जो बताने वाला हूं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर किसी को ये फीचर्स, ये जो सेटिंग है जो मैं थर्ड नंबर का बता रहा हूं, इसको देखना ही है और करना ही है। अब तीसरे नंबर के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस आपके मोबाइल में जो अबाउट डिवाइस, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि कोई अपडेट तो नहीं आया है, ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है मोबाइल का, जो जैसे कि हर कंपनी का अपडेट आता है, जैसे रियलमी नार्जो जो भी मोबाइल होती है उनका एक सिक्योरिटी अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो अगर अपडेट कोई आया है तो आप उसको अपडेट कर लो। इसी क्या हो गया, आपका मोबाइल अपडेट होते रहेगा और उस आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में कोई भी ऐसे एप्लीकेशन या भी कोई भी ऐसे वायरस नहीं आएंगे जो कि आपके मोबाइल को हैक कर पाए, ठीक है। तो ये है वो तीन सेटिंग जिससे दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को चेक कर सकते हैं कि हैक है कि नहीं, और हैक भी है तो आप उसको डिस्कनेक्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी हमारी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों जल्दी से ये फटाफट अपने स्मार्टफोन को एक बार चेक कर लीजिए कि आपका मोबाइल हैक है कि नहीं है, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने सीखने को मिला हो तो अपने भाई टेक्निकल स्विजी को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चले मिलते हैं हम आपसे फिर से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्विजी चैनल को।